क्या बोलती है पब्लिक यार, जितना इजी हमें जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें उतनी इजी होती नहीं है। और वाकई में यार इसका माहौल देखो ना, कितना अच्छा क्लाइमेट है, कितना कूल और ऑसम क्लाइमेट है। ज़िंदगी एक सफ़र है मेरे दोस्त, ज़िंदगी एक सफ़र है और हम उस सफ़र के यात्री। चाय खत्म हो रही है, चाय के साथ साथ नासिक का सफर भी शुरू हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं, इसका इतना मैं ग्लास लेके जाऊंगा तो बहुत फिटिंग है मेरे को। तो चलो नासिक का सफर शुरू करते हैं। रात के ऑलमोस्ट 3 बजने आ रहे हैं। अब नासिक में हम कहाँ रुकने वाले हैं, नो आइडिया, बट हम नासिक जा रहे हैं ये तो पक्का है। और साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों को डिस्कवर करने जा रहे हैं वो भी पक्का है। तो चलो पूछ लेते हैं नदीम भाई से। नदीम भाई, नासिक में हम कहाँ रुकने वाले हैं? नासिक में हम लोग रुकेंगे फार्म हाउस पे। एक बात बताइए, मेरे सारे व्यूअर्स को मजा आने वाला है? श्योर, चलो फिर सफर शुरू करते हैं नासिक का। ओ कुछ ज्ञान बोलो। एक्चुअली ये जो घाट है वन ऑफ द डेडलीस्ट घाट इन महाराष्ट्र। क्या बात करो, महाराष्ट्र का डेडलीस्ट घाट, रात को हम उसको जाने वाले। आपको बहुत मजा आने वाला, हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले। ये है वो डेडलीस्ट घाट जिसकी हम बात कर रहे थे। आई एम श्योर कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, पर बिलीव मी मेरे दोस्त, ये बहुत ही डेंजरस घाट था। जिस तरह से गाड़ी घूम रही थी कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि गाड़ी एकदम स्लाइड में हो जाएगी, पर लकीली कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे साथ बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर थे हमारे नदीम भाई। मॉर्निंग मेरे प्यारे YouTube की पब्लिक, तो क्या चल रहा है तुम्हारा वीकेंड का? कोई चीज चल रहा है तो कोई बात नहीं, मारो रिलैक्स मारो, एकदम आराम से बैठे होंगे। तुम्हारा भाई का तो वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ नासिक। अभी नासिक की तरफ नासिक से मैं जानने वाला हूँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी बेहतरीन नाश्ता करने के लिए। जो मैंने अभी सुना है कि काफी पॉपुलर डिश है यहाँ पे, पिट पिट समथिंग, क्या मुझे नहीं पता। वैसे तो इंडिया का फूड यार, मैं खाने को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। जहाँ मुझे सुना है यहाँ पे कुछ डिश है, आगो खा लो। तो अभी जस्ट निकलने वाला हूँ। यह नासिक का स्पेशल थाली पीट जिसे हम मुंबई का साबुदाना वड़ा भी कहते हैं। ये खाने के लिए आपको जाना पड़ेगा साईं तारा नासिक बाजार। तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। व्हाट्सएप तो नासिक का खा लिया मैंने साबुदाना और ढोकला, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और नई चीज खाई है जो है ब्रेड पकौड़ा। वो अलग ही टाइप का था, पाव था, पाव को बेसन में फ्राई करके दिया था। तो अपने मुंबई में कैसे होता है, अंदर मसाला मसाला होता है, यहाँ पे मसाला वसला कुछ भी नहीं था। आपने मिलता ये नासिक, अपना नासिक से है हमारे पास नाश्ता हो रहा है। नाश्ते के बाद हम लोग अपना एक्चुअल सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। आ गए इब्राहिम भाई, कम हियर इब्राहिम भाई। सो हेलो, कैसा लगा तुम्हें नासिक का साबुदाना? साबुदाना तो ठीक था, चटनी बहुत मस्त थी। चटनी बहुत मस्त थी ना। उसके बाद क्या ट्राई किया? उसके बाद पाव वड़ा और कचोरी, यार कचोरी मस्त थी। अच्छा, पाव वड़ा में ट्रेजेडी क्या थी? पाव वड़ा में ट्रेजेडी ये थी, वड़ा ही नहीं था सिर्फ पाव था, खाली पाव था। इसको भेजा तो फ्राई कर दिया ये लोग ने, बस बस खा लिया। अभी हम लोग कहाँ रुके? चाय के लिए, बड़ी बहुत चाय। तो जस्ट बने रहो हमारे साथ क्योंकि अभी सफर की शुरुआत हुई है, आगे बहुत सारी एडवेंचरस चीजें आने वाली है। प्लीज वाचा पब्लिक। सो मैं हूँ कहाँ पे? मैं हूँ सुला वाइन यार्ड्स पे। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही लाइक पूरा वाइन का प्रोसेस होता है, क्या वाइन वाइन कैसे बनती है, क्या बनती है। तो अभी सफ़र शुरू कर। रन रन, इट्स रेनिंग, भागो।
व्हाट्सएप पब्लिक, तो फिर मैं कहाँ आ गया, मैं आ गया हूँ वाइल्ड हब में। ये तो वो हिसाब होगा कि आपको डांस आता नहीं और आपने डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लिया, तुम्हारा भाई पीता है ले देखो, और फिर पीछे क्या हो रही वाइन टेस्टिंग हो रही है यार। तुम लोगों को प्यार के लिए देखो तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ आ रहा है, वाइन द बॉटल शॉप। तो फिर मैं अंदर घुस चुका हूँ और मेरे सामने बहुत सारी वाइन्स की बॉटल है। बारिश में तुम्हारा भाई स्किप कर सकता है, नॉट पॉसिबल है, तुम्हारा भाई ऑफिस में काम करते करते भी बारिश में दिखता है। सो अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे, इगतपुरी जो डैम है, डैम में जाने वाले हैं एंजॉय करने वाले। यार किसको आना चाहिए, जो वाइन लवर्स है वो आ सकते हैं, और यार जिसको अगर सीनरियों को एंजॉय करना है वो आ सकते हैं, बिकॉज मेरा और इनका क्या हो गया ऐसा, यार लोग तो को पीता ही नहीं, हमें पीते नहीं पीते, तो वो सब तो इतना कुछ क्रेज ही लगा, लेकिन हाँ जो लोग पीते देवर लिटरली एंजॉय का मस्त, अंदर बेल्ट के एकदम ऊपर टेबल पे सीन लेके आराम से वाइन की बॉटल खोल के एक से एक मस्त वाइन पी रहे हैं बारिश में, और वाटरफॉल ले जा चार सी भी भाई। तो मुंबई का सेंड माई ऑल लवली व्यूअर्स जो भी है, जो देख रहे हैं और जो देखने वाले इस वीडियोस को, तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अब यहाँ से हम जाने वाले एक मस्त वाले वाटरफॉल के पास। तो चलो चलो सफर को कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ इगतपुरी वाटरफॉल, बट अनफॉर्चुनेटली मेन जो स्पॉट है वाटरफॉल का इगतपुरी के अंदर, वहाँ पे जा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम का कुछ ड्यूरेशन है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे यहाँ पे पहुंचे, 6 बजने वाला 10 मिनट बाकी है, तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया, तो बस हम लोग उस रास्ते जा रहे थे। क्या बोलती पब्लिक, कैसा था आज का पूरा दिन? यार दिन तो अच्छा गया, लेकिन बस वाटरफॉल ने थोड़ा मूड ऑफ कर दिया, बट कोई नहीं, हमारी भी गलती है, लेट आए तो बिफोर 5 जाने नहीं मिलता है। खतरों के खिलाड़ी अब लगेगी कदमों में। यस 7000 हो गया उसका। इसके लिए कहते हैं चढ़ने से पहले सावधानी बढ़को, चढ़ना इजी है उतरना हार्ड है। ये पब्लिक यार जितना इजी हमें जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें उतनी इजी होती नहीं है, और वाकई में यार इसका माहौल देखो ना कितना अच्छा क्लाइमेट है, कितना कूल और ऑसम क्लाइमेट है। ज़िंदगी एक सफ़र है मेरे दोस्त, ज़िंदगी एक सफ़र है, और हम उस सफ़र के यात्री।